हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिव सिंपल विद पल्लवी एंड फैमिली। तो अपने ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, किचन में आई तो मेरा बर्तनों का भंडारा देख के तो बाप रे, तूफान सा आया हुआ था। और पता है पानी का तो इतने, मतलब दो दिन से, ये तीसरा दिन भी हो गया और मैंने फिर भी चलो थोड़ा बर्तन नहीं माजूंगी तो खाऊंगी कहाँ से, बनेगा कहाँ। सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, देखिए आप कितने सारे बर्तन हैं। और ऊपर से पानी ले लेके धोना, तो मन तो एकदम ऐसा गुस्सा आता है सब पे। बच्चों को भी डांटते रहते हैं और बर्तन मांजते रहते हैं, लेकिन बच्चों की क्या गलती है। तो देखिए, दोनों कुकर वकर सब, मतलब मैंने सब बर्तन को ही निकाल दिया था लगभग, मतलब कुकर में दोनों निकाल दिया, एक कुकर जूठा गया फिर दूसरा कुकर निकाल दिया, अब एक भी नहीं बचे हुए हैं। खाना भी बनाना है तो फिर मैंने सोचा चलो फिर आखिर धोना तो पड़ेगा मुझे ही, तो फिर मैंने स्टार्ट तो कर दिया। और मासी रखने का तो मुझे वो नहीं है, कैपेसिटी मेरी नहीं है उतनी, क्योंकि यहाँ पे मासी बहुत महंगी आती है। तो हम लोग पांच जन हैं, मतलब मेरे हस्बैंड, मैं और तीन बच्चे मेरे, तो पांच जो यहाँ पे एक आदमी के लिए ऐसा काम करते हैं कि एक आदमी है तो इतना पैसा, दो आदमी है तो इतना पैसा, बर्तन का अलग, झाड़ू का अलग, पोछा का अलग, कपड़े का अलग, तो इस टाइप से चलता है। तो चलिए, मेरा उधर मेरा चाय चढ़ा हुआ है, तो बर्तन मांजते मांजते, और मेरा सीरियल भी चल रहा है क्योंकि मैं सीरियल के बिना कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मतलब सीरियल देखना ही है मुझे। और मेरे कुछ सीरियल्स हैं जो रात में आते हैं तो मैं देखती रहती हूँ, और तभी मैंने बर्तन को भी इंजॉय कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे बर्तन धोना, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे नहीं कि पानी नहीं है और कैसे कैसे ले लेके बर्तन धो। ये देखो बाल्टी से मैं पानी ले लेके बर्तन धो रही हूँ, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बेटी को कप धो के दे दे रही हूँ कि चाय बना रही है वो छोटी वाली, थोड़ा पहले चाय पी लूँ। अब बर्तन धोते धोते देखिए मेरे बर्तन धुल गए और हम लोग मैं चाय भी शायद पी ली, लेकिन आपको दिखाया नहीं। ये कचरा इतना निकला, अब मैं इसे स्लैब व्लैब साफ करके फिर से, देखिए एक कुकर फिर से निकल गया और ये चाय के बर्तन फिर से हो गए, लेकिन अब मैं इसे नहीं धोऊंगी। अब ये मैं खा पी के खाना वाना बना के मैं सो गई। ये सुबह 5:30 बजे का टाइम है, तो भिंडी लाया था मैंने, तो बोला भिंडी की सब्जी बना दूँ मसाले वाली, सबको पसंद है। तो फिर मैंने भिंडी काटा, ये दूध का बर्तन रात का ही है और पानी नहीं है, तो मैं दीवार से भी जो छींटे पड़े वो भी नहीं साफ कर पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बचत करके करना पड़ता है क्योंकि कब आए कुछ पता नहीं है। तो ये मैं भिंडी को फ्राई कर ले रही हूँ, फिर उसके मसाला वसाला पीस के। फिर बच्चे अभी सो रहे हैं, छोटी वाली बेटी उठी हुई है, उसको उठाना है उसको, तो वो उठ के अपना तैयार वार हो रही है। बस मैं बोली फटाफट तू आ जा, बाल बना दूंगी तब मैं आटा गूंथूंगी, नहीं तो बाल बाल हो जाएंगे फिर। एक तो पता नहीं बाल भी बहुत आजकल सबके गिर रहे हैं। तो ये मसाला भिंडी बन रही है और काफ़ी टेस्टी बनती है, क्योंकि मेरी मम्मी भी आई थी तो बोलती थी तुम्हारे हाथ का मसाला भिंडी बहुत पसंद है। तो इधर अब मैं सब करके और इधर चाय चढ़ा दिया, अभी देखिए चाय भी बन गया, चाय भी दे दिया मैंने हस्बैंड को, उठ गए वो भी। ये मैं दही देखिए कितना अच्छा जम गया, देखिए वाह। और आटा भी गूँथ ली, ये रोटी बना रही है, देखिए मेरी बेटी स्कूल जा रही है, तो ये बाहर डस्टबिन निकाल दिए, कचरा वाला आएगा आधा घंटा में। ये छोटी बड़ी वाली पढ़ रही है, वो जैसे सुबह से उठ के पढ़ते रहती है, क्या बोलूँ इसको भी कितना काम बोलूँ। ये देखिए मच्छरदानी वगैरह सब ऐसे ही लगे हुए हैं, वो नीचे बैठ के दरी लगा के पढ़ रही थी, अब धीरे धीरे वो उठेगी, वही खुद करेगी, इस रूम का वो खुद ही करती है, अपना उठ के कर लेगी। तो बस यूँ हालत है देखिए घर की, पानी के बिना तो ऐसे मन ही नहीं कर रहा, मतलब है। और ये रात की सब्जी जो लाई थी मैं, ऐसे ही पड़े हुए सब बिस्तर में सब, मेरा बेटा उठ के टुकुर टुकुर देख रहा है, मेरे हस्बैंड चलेगा। अब मैं इधर से करूँगी, फिर सोच रही हूँ पानी का ही सोच रही हूँ, दिमाग में पानी चल रहा है, लेकिन साफ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने अब शुरुआत कर ली जंग की, और ये देखिए मैं पैर फैला के ही बैठती हूँ, मैंने बताया था मेरा पैर टूट गया था ना तो दर्द होता है, मैं पलथी लगा के नहीं बैठ सकती, तो ये मैं सब सब्जी को अलग अलग कर दूँ। और इसमें मेरा बेटा मेरा हेल्प कर रहा है, और बड़ी वाली अपना, छोटी वाली तो स्कूल चली गई और बड़ी वाली अपना पढ़ाई कर रही है। अब बोले कि बेटा उस रूम का बिछावन झाड़ ले, बोलती अभी नहीं करूँगी मैं, पूरा अपना ख़त्म कर लूँगी उसके बाद ही उठूँगी तो करूँगी। मैं ठीक है भाई, कौन आ रहा है देखने। अब हमारे घर में क्या है, कोई मतलब ऐसा नहीं है टाइम टेबल रूटीन, अपना जब टाइम मिलता है कर लेते हैं।
मतलब पढ़ाई ज़्यादा उन लोग को ज़रूरत है तो वो ज़रूरी काम है वो करो, बाकी सब अपना चलता रहता है। ये मेरा बेटा को बोले तू ही मच्छरदानी उठा दे, तो वो उठा रहा है मच्छरदानी, लेकिन बेचारे से खुल नहीं रहा, कोशिश कर रहा है, और मच्छरदानी को बोलता है चल उतर चल उतर। ये मैं पालक वालक साफ़ करके रख दूँ, नहीं तो गल जाते हैं। आखिर पैसे तो खर्च हुए, फिर मुझे लग गई भूख, मैंने अमरूद काटा, मेरी बेटी के रूम में गई छोटी बड़ी वाली के, और मैं भी खा रही हूँ, उसे भी दे रही हूँ। ये नहीं खाता, ये अमरूद नहीं खाता, तो ये ऑरेंज खा रहा है, एप्पल काट के खा रहा है। और मैं धनिया साफ़ करके रख दी, पालक साफ़ करके रख दी, क्योंकि ये दोनों फिर गल जाएंगे, ऐसे नहीं साफ़ करूँगी तो फिर पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे, सस्ते चाहे महंगे, सस्ते चीज़ और ज़्यादा लेके और ज़्यादा बर्बाद हो जाएंगे। अब मैं बेडशीट वगैरह, बेडशीट मैं नहीं बदल रही हूँ कि पानी आएगा तभी बदलूँ, क्योंकि फिर निकाल के रखना इधर उधर से अच्छा है। अब मैं ये फटाफट अपना बिछावना चम झाड़ ली, सब्जी वगैरह सब साफ़ करके रख दी, मिर्ची उर्ची भी रख दिया अलग मैंने। अब मैं टेबल वेबल सब पोछ लूँगी, धूल मिट्टी गंदगी तो आते रहती है। तो ये देखिए हमारी क्लीनिंग चल रही है, ये पट्टी मेरे रात में गर्म पट्टी बांध के सोती हूँ, वो सब लपेट वपेट के रख दिया, क्योंकि है एक चीज़ भी अपने जगह पे मिलता नहीं, फिर मैं रख देती हूँ फिर भूल जाती हूँ, मैं एक नंबर की भुलक्कड़ भी हूँ, इतना काम रहता है कि भूल ही जाती हूँ। ये देखिए इतने कपड़े रखे हुए, लेकिन कपड़े बाद में फोल्ड होंगे, ये मेरा मोती माला का काम, इतनी गंद फैली हुई टीवी के अंदर भी इतना। ये देखिए मुझे मिले 100 रुपये, सफाई करने में 100 रुपये मिले मुझे। ये मैंने 100 रुपीज़ ना वो टॉवल के नीचे रख दिया था, ब्लूटूथ के नीचे, और अभी आज मिले हैं, तो मज़ा आ गया। अपने ही पैसे अपने मिलते हैं थोड़े दिन के बाद तो बड़ा अच्छा लगता है। और घर में मतलब पैसे भी नहीं थे आज, मैं थोड़े ही पैसे थे, और मैंने बोला था इनको कि पैसा लेके आना निकाल के, तो बोले ठीक है, तो चलो 100 रुपये मिल गया। तो मैं सब्जी सब मेरा बेटा और मैं रख रही हूँ, अब मैं फटाफट झाड़ू लगा लूँगी। काम वाली बाई बन गई मैं, ये देखिए मेरा बेटा की मस्ती देखिएगा, आप देखते रहिएगा उसको उसकी हरकत। वो तो दीवार पे चढ़ेगा बंदर की तरह, तो लेकिन सब कुछ लाला के देगा, बोलेंगे झाड़ू लेके आ, सूप लेके आ, ये मेरी बेटी जा रही है। अच्छा मेरा ये सब काम खत्म भी हो गया, झाड़ू पोछा भी लग गया, बिछावन ठीक हो गया, ये स्कूल भी चला गया मेरा बेटा, और ये मेरी बेटी गई थी अभी बड़ी वाली बेटा को लाने के लिए स्कूल से, तो शाम का टाइम हुआ, ये अब रात भी हो गया, और बीच में खाना नाश्ता चाय सब बन गए हैं, क्या करूँ, बीच बीच में पानी का ना वो दिमाग में आता है ना बार बार। ये देखिए हमारी बन रही है पालक, बना रही है दाल पालक, तो पालक मैंने पालक दाल और टमाटर साथ में ही रख के उबाल लिया, नमक रख के, और ये फिर मैं अदरक लहसुन प्याज सब पीस के गरम मसाला वगैरह सब डाल के इसमें तड़का लगा लूँगी, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, मिर्ची पाउडर डाल दूँगी थोड़ा सा, फिर मैं चला के गाढ़ा कर लूँगी, ये बहुत कढ़ाई में भर गया, और ये सब डब 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 करेगा ना ऊपर जब बॉयल आएगा ना, ये मोटे मोटे बुलबुले जब फूटेंगे तो फिर दीवार में छींटा मारता है, पानी है नहीं भाई कितना साफ करूँ, बिना पानी के कुछ होने वाला भी नहीं है। तो ज़िंदगी में पौ चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, पानी पैसा प्यार पढ़ाई, हाय बाबा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब माई चैनल। तो कैसा लगा आपका वीडियो, लाइक करिएगा।